ईशा सिंह, विवियन डिसेना, अविनाश मिश्रा और एलिस कौशिक चारों ने बिग बॉस के बाथरूम एरिया में आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कि ये चारों कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी घर वाले को इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर से बाथरूम एरिया के अंदर से जुड़ी एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर कोई भी बात किसी से छुप कर नहीं रहती है, लेकिन अब यहाँ पर आपको बता दें कि घर के वॉशरूम एरिया में ये चारों ने कुछ ऐसा कर दिया है जो अगर सभी घर वालों को पता चलेगा तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। क्या है पूरी की पूरी जानकारी, सेट से क्या खबर आ रही है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दरअसल आपको बता दें कि बिग बॉस के घर सब जानते हैं, अविनाश ईशा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और एलिस कौशिक भी इनके ग्रुप में हैं। साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर विवियन डिसेना भी इनके ग्रुप में ही है और आप सबको पता ही है कि बिग बॉस के घर के अंदर एलिस कौशिक का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आधी रात को बिग बॉस ने केक भी भेजा था जो कि सभी घर वालों ने मिलकर काटा। लेकिन अब आपको बता दें कि घर के अंदर वॉशरूम एरिया में बैठी होती हैं एलिस कौशिक, अविनाश मिश्रा और साथ में होती हैं ईशा, और वहां पर अचानक आ जाते हैं विवियन डिसेना और विवियन डिसेना हाथ में केक लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि घर के अंदर तो कोई भी चॉकलेट नहीं है, लेकिन विवियन डिसेना चॉकलेट केक लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं। खासकर ईशा काफ़ी ज़्यादा दंग हो जाती है और कहती है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं ये चॉकलेट केक खाने के लिए। ऐसे में यहाँ पर ये केक सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें आपको बता दें काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन विवियन डिसेना कहते हैं कि धीरे बोलो कि कहीं किसी बिग बॉस के घर के बाकी के कंटेस्टेंट को पता चल गया तो बहुत हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको बता दें कि ये सभी के सभी चोरी से सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं और सभी के सभी घर वालों को पता ही नहीं है कि ये चारों विवियन, अविनाश, ईशा और एलिस कौशिक चोरी से केक काट रहे हैं वॉशरूम एरिया में। और यहाँ पर एक और बड़ी हसीन सी बात होती हुई नज़र आई, जहाँ पर एलिस कौशिक तो अपने हाथों से केक खाती नज़र आई, लेकिन विवियन भी अपने हाथों से केक खा रहे थे। यहाँ पर ईशा को अविनाश मिश्रा ने अपने हाथों से केक खिलाया, जो कि अपने आप में काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। इसीलिए आपको बता दें कि बहुत जल्द हम सबको बिग बॉस के घर के अंदर ईशा और अविनाश का लव एंगल भी देखने को 100% मिलने वाला है। ऐसे में आप इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।